हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक्शन बार एंड स्टेटस बार को हम कैसे हाइड करते हैं, एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी जब लॉन्च होती है तो कौन कौन से मेथड्स क्रिएट होते हैं एंड कौन कौन से मेथड्स कॉल होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज अ सिंगल स्क्रीन। मतलब आसान शब्दों में अगर हम कहें कि एक्टिविटी एक सिंगल स्क्रीन होती है किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की। मैं आपको दिखा देता हूं एग्जांपल के लिए। जैसा ये मेरी फोन की स्क्रीन है, अगर मैं यहां पर कोई ऐप ओपन करता हूं, मान लिया मैं न्यूज हब ओपन करता हूं, तो आप देख सकते हैं जो पहली स्क्रीन आई है ये एक एक्टिविटी। अब उसके बाद ये दूसरी स्क्रीन पर स्विच हुआ है, ये कंप्लीट दूसरी एक्टिविटी है। क्लियर? सो एक ऐप के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। सो डेफिनेशन क्या हुई? एक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज अ सिंगल स्क्रीन ऑफ एन एंड्रॉयड ऐप विच ए यूजर कैन सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे से पूछा जाए, अगर एक डेवलपर से पूछा जाए कि एक एक्टिविटी क्या होती है, तो डेवलपर की टर्म्स में बात करते हैं अगर, तो उसकी डेफिनेशन होती है एक्टिविटी इज अ क्लास। एक्टिविटी इज अ क्लास, और वी कैन से एक्टिविटी इज अ जावा फाइल। ठीक है, जो हम एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उस हमारे दो फाइल क्रिएट होती है, एक .xml एंड एक .java। सो हम जावा, जो .java फाइल होती है मेनली, उसको एक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि जब एक एक्टिविटी लॉन्च होती है तो उसमें कौन कौन से मेथड्स हमारे कॉल होते हैं। सो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जब हमारी एक एक्टिविटी लॉन्च होती है तो हमारे मेथड्स कॉल होते हैं ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, एंड फिर एक्टिविटी रनिंग होती है, फिर एक होता है ऑन पोज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, एंड ऑन पोज में एक मेथड होता है ऑन रिस्टार्ट। ठीक, सो बेसिकली हमारे जो मेनली मेथड्स होते हैं ये होते हैं 6, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पोज, ऑन डिस्ट्रॉय एंड ऑन स्टॉप। हालांकि ये यहाँ पर 7 मेथड हैं, बट मेनली जो होते हैं ये 6 होते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉल कैसे होते हैं। सबसे पहले जब हम किसी ऐप पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमारी 3 मेथड्स कॉल होते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। ठीक है, अगर एक्टिविटी एक रन हो रही है और मैं दूसरी एक्टिविटी पर स्विच करना चाहता हूँ, तो जो हमारी पहली एक्टिविटी होती है वो पोज हो जाएगी, उसमें एक मेथड चलेगा ऑन पोज। ठीक, तो हमारी जो प्रीवियस एक्टिविटी होती है वो पोज हो जाती है ऑन पोज मेथड चलकर, और सेकंड वाली एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, और जब और अगर हम ये जानना चाहें कि जो हम सेकंड एक्टिविटी पर थे, जिस एक्टिविटी पर हमने स्विच किया है, और अगर यूजर उस सेकंड एक्टिविटी से अपनी प्रीवियस एक्टिविटी पर आना चाहे, तो जैसे ही आएगा तो उसमें ये यहाँ पर ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा कि जो हमारी पोज एक्टिविटी हुई थी अब वो एक्टिविटी रिज्यूम हो जाएगी एंड रनिंग स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, और अगर यूज़र नहीं जाना चाहता, मतलब यूज़र स्विच नहीं करना चाहता अपनी प्रीवियस एक्टिविटी पर, तो प्रीवियस एक्टिविटी अगर ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे समय तक कोई यूज़ में नहीं है, तो वो ऑन स्टॉप मेथड हमारा चलेगा। इसमें हमारी दो कंडीशंस आती हैं कि या तो कोई ऐप जिसकी हायर मेमोरी है वो उस प्रोसेस को क्लिक कर देता है कि जिसमें वो हमारी एक्टिविटी चल रही है। ठीक, अगर कोई दूसरा ऐप जिसकी हायर प्रायोरिटी है वो उसे मेमोरी चाहिए। ठीक, क्योंकि भाई उसकी हमारी एक्टिविटी का तो कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रोसेस को क्लिक कर देता है और ख़ुद यूज़ करने लगता है। और अगर यूज़र दोबारा से उसी एक्टिविटी पर जाए, यानी कि बैक नहीं किया, ठीक है, एंड मैं फिर दोबारा से उस पर स्विच करना चाहता हूँ, तो एक्टिविटी
रीस्टार्ट होगी, ठीक, ओनली स्टार्ट मेथड कॉल होगा। एंड अगर एक्टिविटी में कुछ भी नहीं होता, प्रोसेस भी किल नहीं होता और हमारा ओनली स्टार्ट मेथड भी किल नहीं होता, तो एक्टिविटी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड हमारा सिस्टम शट डाउन, आई मीन एक्टिविटी शट डाउन, ऐप शट डाउन हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमारे तीन मेथड चलते हैं, फिर ऑन पॉज मेथड अगर हम स्विच करते हैं किसी दूसरी एक्टिविटी पर, और अगर अपने प्रीवियस एक्टिविटी पर आए तो जो हमारी एक्टिविटी पॉज हुई थी वो रिज्यूम होगी और फिर अपनी पुरानी ही रनिंग स्टेट में चलती रहेगी। अगर एक्टिविटी का लंबे समय तक पॉज है, अगर एक्टिविटी लंबे समय तक पॉज है तो एक्टिविटी ऑन स्टॉप हो जाएगी, और अगर उसका फिर भी कोई यूज़ नहीं हो रहा है कि मतलब उसे किसी ऐप ने भी प्रोसेस को किल नहीं किया या हमने उसे दोबारा भी नहीं खोली, उस एक्टिविटी को नेविगेट नहीं किया, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक, एंड हमारा ऐप बंद हो जाएगा। सो अब हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। सो सबसे पहले इसके लिए हम अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पर चलते हैं। यहाँ पर हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल पर जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम नेम देंगे एक्टिविटी लाइफ, ठीक है। यहाँ पर मेरा पैकेज नेम है द कोडिंग शेफ, ये मेरी लोकेशन है, ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर ये एपीआई लेवल सेलेक्ट करते हैं हम, नेक्स्ट, यहाँ पर एमपीटी एक्टिविटी, नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर फिनिश। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी आप इसे बिल्ड होने दीजिए। सो ये हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। सो अब जैसे ही हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इसमें दो फाइल क्रिएट हुई, एक डॉट जावा, एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग डॉट एक्सएमएल फाइल, ठीक है। सो जैसे हम डॉट जावा फाइल क्रिएट होती है, उसमें ऑन क्रिएट मेथड बाय डिफॉल्ट होता है। अब हम इसके अंदर अपने और भी मेथड्स क्रिएट करेंगे और हर मेथड्स को हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे कौन कौन से मेथड कब कब चलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टॉस्ट ले लेता हूँ, TOST टॉस्ट। टॉस्ट में बताऊँगा आने वाली वीडियोस में टॉस्ट होता क्या है। बेसिकली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टॉस्ट जो होता है, ये एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन की स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराने के लिए कुछ एज ए मैसेज के फेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मान लिया अगर हम अपनी स्क्रीन पर कोई मैसेज शो करना है तो वो टॉस्ट के अंदर हम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्रिएट, क्लियर। हम यहाँ पर सबसे पहले ऑन क्रिएट चलता है, तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर पर कौन सा कॉल होता है, ऑन स्टार्ट, ये यहाँ पर सजेशन आ जाता है, ऑन स्टार्ट। यहाँ पर टॉस्ट हम क्रिएट करेंगे, ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन स्टार्ट, क्लियर। यहाँ पर इसके नीचे हम एक मेथड बनाएंगे ऑन रिज्यूम, एक सजेशन आ जाता है, ये आपको ये सेलेक्ट करना है क्रिएट ए न्यू टॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर
ऑन रिज्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक मेथड और बनाते हैं ऑन पॉज, यहाँ पर फिर टॉस्ट डालेंगे, टॉस्ट क्रिएट न्यू टॉस्ट, ओके, यहाँ पर ऑन रिज्यूम, क्लियर। यहाँ पर अब हम एक मेथड और कॉल करेंगे ऑन स्टॉप, ठीक, यहाँ पर एक टॉस्ट टॉस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन स्टॉप, ठीक। यहाँ पर एक मेथड और क्रिएट करेंगे ऑन रिस्टार्ट, यहाँ पर टॉस्ट क्रिएट न्यू टॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पर ऑन रिस्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर एक मेथड और क्रिएट करेंगे लास्ट ऑन डेस्ट्रॉय, यहाँ पर टॉस्ट तो फ्रेंड्स ये मैंने किया क्या है, मैंने जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उस फाइल के अंदर डॉट जावा फाइल के अंदर मैंने सारे मेथड्स जो होते हैं सब लिख दिया है, और उसमें एक एक लाइन लिखी है टॉस्ट की कि जो हमारा एक मैसेज शो करेगी, जिससे होगा कि ये कि जो हमारा ऐप रन होता है तो जिस जिस कंडीशंस में जब जब हमारे जो नो से मेथड कॉल होंगे तो तभी तभी हमें मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेन एक्टिविटी जो थी हमारी इसमें पहले ऑन क्रिएट था, फिर ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन डेस्ट्रॉय, ओके। सो अब हम इसे रन करते हैं, पहले मैं अपना एंटीवायरस डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है सर, हमारी एपीके इंस्टॉल हो रही है। सो आप थोड़ा यहाँ पर बॉटम में ध्यान देना, यहाँ पर मैसेज प्रिंट होंगे जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी लॉन्च होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम, जैसे ही हमारी एक्टिविटी क्रिएट हुई तो हमारे तीन मेथड चले, एक ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, एक ऑन रिज्यूम, क्लियर। अब अगर मैं इसे बैक करता हूँ यहाँ से, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टॉप, ऑन डेस्ट्रॉय, सॉरी आई थिंक मैंने यहाँ पर ऑन पॉज में ऑन रिज्यूम ही लिखा है, या मैंने ऑन पॉज में ऑन रिज्यूम ही लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन पॉज, एंड अब दोबारा से एक बार और रन करते हैं, ये सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई बट कोई नहीं। ये हमारी एपीके इंस्टॉल हो रही है, लॉन्चिंग एक्टिविटी होने वाली है, तो आप देख सकते हैं ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम हमारे तीन मेथड कॉल हुए हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। अगर मैं इसे बैक करता हूँ ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डेस्ट्रॉय, ठीक है, बात क्लियर। अब अगर मैं इसे यहाँ पर देखता हूँ, मेरी क्या है यहाँ पर एक्टिविटी लाइव, अगर मैं इसे यहाँ से नेविगेट दोबारा करता हूँ
तो आप देखिए ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। ये क्यों चला हमारा ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम? क्योंकि हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब अगर हम एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय नहीं करते और फिर नेविगेशन से हम चलाते हैं, तो हमारा जो एक्टिविटी होगा उसमें एक मेथड और चलता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर हम ये बीच से क्लोज कर दें तो ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। हमारे दो मेथड चले हैं, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ठीक है। अब मैं दोबारा से यहाँ जाता हूँ और फिर ओपन करता हूँ। सो ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेथड नहीं चला। कौन सा? ऑन क्रिएट। यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड नहीं चला। ऑन क्रिएट मेथड हमेशा तब रन होता है जब हम अपनी एक्टिविटी को न्यूली फ्रेशली ओपन करते हैं। अगर हमने एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया और हम उसे दोबारा से ओपन करना चाहते हैं, ठीक, तो उसके अंदर हमारी एक्टिविटी रिस्टार्ट होगी, ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होगा एंड ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं, यहाँ पर मैं बैक करता हूँ इसे, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, क्लियर। अब अगर हम इसे यहाँ पर फ्लैशली ओपन करते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ठीक, तो हमारे तीन मेथड चलते हैं। मैं यहाँ पर इसे किया तो हमारी एक्टिविटी जो थी पॉज हो गई, स्टॉप हो गई, क्लियर, पॉज हो गई एंड स्टॉप, डिस्ट्रॉय नहीं हुई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो एक्टिविटी दोबारा रिस्टार्ट होती है, ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम, क्लियर। आई होप फ्रेंड्स आपके ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि एक्टिविटी की लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है। फ्रेंड्स अगर आपकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।